बच्चों स्क्रीन आ गई बच्चों मेरी आवाज आ रही स्क्रीन आ गई सर अभी आई चल आ रही नहीं आई नहीं आई है ये 25 वाला क्वेश्चन हो गया था नहीं हो गया था आई थिंक इससे पहले वाला था हुआ था नौ no, से नहीं हुआ था ठीक ठीक और ये अपने मन से भी अपनी तरफ से सॉल्व करते रहिए बच्चों क्योंकि जिम्मेदारी ये आपकी ही है कि आप इसको कंप्लीट सॉल्व कीजिए क्योंकि जो जो बच्चा सॉल्व कर लेगा विश्वास करो उसका बहुत अच्छा हो जाएगा पेपर वगैरह जो भी अभी होना है इसलिए आप अपनी तरफ से सॉल्व करते रहिए इसको ठीक है देखिए ये आपका आउटपुट पूछा गया है तो इसमें एग्जाम दिया गया है एग्जाम नाम से स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग भी एप्लीकेशन नाम से है सबसे पहले मैंने बताया था कि कभी भी आपका स्ट्रिंग या एरे का आता है क्वेश्चन तो आप सबसे पहले इंडेक्स नंबर डाल दीजिए क्योंकि स्ट्रिंग और एरे में विदाउट इंडेक्स नंबर कुछ नहीं होना है तो आपने यहां पर ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन अब देखिए जब नेस्टेड फंक्शन पूछे जाते हैं तो अंदर वाले को पहले यूज किया जाता है जैसे यहां पे कहा गया एम डॉट इंडेक्स ऑफ एन एम नाम की स्ट्रिंग आपकी क्या है एप्लीकेशन है एप्लीकेशन में इंडेक्स नंबर इंडेक्स ऑफ क्या करता है इंडेक्स नंबर बताता है तो एम में इंडेक्स नंबर ढूंढो स्मॉल ए का तो स्मॉल हाँ आप देख भी पा रहे हो तो नंबर आपका सिक्स पे है आपने बताया हाँ सिक्स पे ही है बिल्कुल सही है ये आपका ए का इंडेक्स नंबर है तो यहां पे ये सिक्स आ जाएगा और उसके बाद सिक्स किसको मिला एन को मिला और एन में सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज किया गया है सबस्ट्रिंग में दो फॉर्मेट होते हैं एक कहा से कहां तक तोड़े तो अगर दो इंडेक्स नंबर दिए हैं इसका मतलब एंडिंग से एक पहले स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग ही रहेगी एंडिंग से एक पहले और दूसरा अगर एक ही इंडेक्स नंबर दिया है इसका मतलब वहां से आखिरी तक का तोड़ दो तो ये सिक्स दिया है तो सिक्स में आपका जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स पे क्या दिखाई पड़ रहा है एन में ए. ए. ए दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब ए से आखिरी तक तोड़ दो तो आपका ये हाँ एशन नेशन नहीं आएगा एशन करके आ जाएगा हाँ अगर आपने एशन कहा है तो ये एशन आ जाएगा बिल्कुल सही <coughs> उसके बाद नेक्स्ट है आपका एन डॉट कैरेट टू तो एन में कैरेक्टर तोड़ो टू इंडेक्स नंबर पे तो टू इंडेक्स नंबर पे स्मॉल ए है दिखाई पड़ रहा होगा सबको हाँ अब ये टू इंडेक्स नंबर पे स्मॉल ए मिलेगा इसको और small a का m में इंडेक्स नंबर ढूंढो तो m में small a six. का इंडेक्स नंबर 6 है बिल्कुल कैपिटल a small a अलग-अलग माने जाते हैं तो इसलिए आपका small a का 6 आ जाएगा बिल्कुल सही उसके बाद m डॉट कॉन्कैट n तो m और n को कॉन्कैट कर दे और कॉन्कैट हम फंक्शन बच्चों विदाउट स्पेस यूज होता है जुड़ता हां जोड़ता है जोड़ने का काम है विदाउट स्पेस तो m में आपका एग्जामिनेशन है नहीं एप्लीकेशन है तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा एप्लीकेशन और विदाउट कोई स्पेस दिए एग्जामिनेशन आ जाएगा इस तरीके से उसके बाद एम डॉट कॉन्केट एन ये दोबारा से रिपीट हो गया तो मैं इसको कट कर दे रहा हूं बस इतने ही आपके क्वेश्चन थे तो आउटपुट आई होप समझ में आ गया होगा ये इसमें क्या करना था अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह आप तब तक लगा डालिए जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वही क्वेश्चन में बता आपको लोगों को। प्रोग्रामिंग हुई थ्योरी हुई लेकिन प्रोग्रामिंग इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा तो पहले प्रोग्रामिंग पढ़िए थ्योरी लास्ट में पढ़ाऊंगा सबसे देखिए फिर एरे आ गया तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये इंडेक्स नंबर आपने डाल दिए अब जरा यहां पे देखिए कि प्लस प्लस पी ऑफ वन दिखा गया है तो वन पे आपका क्या दिखाई पड़ रहा है एट दिखाई पड़ रहा है तो एट को प्लस प्लस कर दे और प्लस प्लस इंक्रीमेंट में प्री में है तो ये इसका मतलब ये नाइन बनाएगा और नाइन बनाएगा तो कहां स्टोर कर देगा आई में तो आई में आपका ये नाइन स्टोर हो जाएगा अब यहां पर एक छुपी हुई बात ये होती है कि आई में नाइन स्टोर होगा आपको सिर्फ यही दिखाई पड़ रहा है लेकिन नई चीज जो है वो ये है कि इंडेक्स नंबर वन पे भी आपका नाइन चेंज मतलब चेंज हो 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 जाएगा वो हो जाएगा 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 वो यानी ये 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 जो था ये हट जाएगा और क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस सेल्फ इंडिविजुअल आपका ऑपरेटर है वो खुद में भी चेंज करता है हम स्टोर उसका चेंज कहीं और कर रहे हैं वो एक अलग बात है लेकिन वो खुद में भी चेंज करता ही करता है तो ये वन पे जो इंडेक्स नंबर है यानी कि uh, आपका एट का तो ये अपनी वैल्यू नाइन बदलेगा और 9i में स्टोर भी कर देगा उसके बाद पी ऑफ टू पी ऑफ टू पे आपको क्या ट्वेल्व दिखाई पड़ रहा है तो यहां पे ट्वेल्व आ जाएगा और यह भी इंक्रीमेंट कर रहा है तो ट्वेल्व से इंक्रीमेंट करके यहां पर रियल में ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो पोस्ट में तुरंत वैल्यू चेंज नहीं होती है तो ये ट्वेल्व ट्वेल्व भी बना रहेगा और ये आपका जे में स्टोर हो जाएगा जे में आपका ट्वेल्व स्टोर हो गया लेकिन पी ऑफ टू की खुद की वैल्यू जरूर चेंज हो जाएगी तो ट्वेल्व की जगह पर ये थ्री आ जाएगा आ, आ जाएगा और इसमें आपका क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा था तो उस समय चेंज नहीं होगी तुरंत तुरंत के तुरंग तो वो स्टोर कर देगा लेकिन खुद की वैल्यू आपकी थर्टीन कर देगा ये ध्यान रखना है फिर उसके बाद पी ऑफ थ्री में पी ऑफ थ्री थ्री पे आपका सिक्सटीन है तो इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है तो सिक्सटीन को सीधे सिक्सटीन एम में स्टोर कर दिया अब आप आई प्लस जे प्लस एम इनको ऐड कर दीजिए तो ये आपकी वैल्यू निकली आप इसको ऐड कीजिए जरा जल्दी से बताइए क्या आया थर्टी सेवन थर्टी सेवन सर मैंने इसका आउटपुट आया अब आप पूछिए अपना कहाँ पे क्या डाउट है तो मैं सर, सर एग्जाम में आउटपुट लिखने को आएगा तो सर पहले ये सारे स्टेप्स हम लोग करके दिखाएंगे ना कि आई कट हो कट रहा है फिर नाइन टेन हो रहा है ऐसे करके नो 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 कुछ भी करके नहीं दिखाना है आपको सीधे आउटपुट हेडिंग डालनी है और थर्टी सेवन प्रिंट कर देना है बस बस सर सीधा हम थर्टी सेवन कर देंगे और ये सब और ये सब है आपके लिए ये कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं होती है तो आपने यहां पे समझ लिया दो चीजें आपने यहां पे समझी होंगी एक प्री इंक्रीमेंट तुरंत वैल्यू चेंज करता है एक पोस्ट इंक्रीमेंट तुरंत वैल्यू चेंज नहीं करता है तो प्री तुरंत चेंज कर रहा है और किसी नए वेरिएबल में स्टोर कर रहा है तो चेंज वैल्यू गई और पोस्ट तुरंत चेंज नहीं कर रहा है तो

प्लस पी ऑफ टू प्लस पी ऑफ थ्री अगर इसको ऐड करते P. में तो पी ऑफ वन अगर ऐड करते तो पी ऑफ वन की वैल्यू अब आ, एट नहीं है नाइन है तो यहां नाइन आ जाती और पी ऑफ टू की वैल्यू अब ट्वेल्व नहीं है थर्टीन है और पी ऑफ थ्री की वैल्यू में कोई चेंज नहीं था तो ये तो ये वैल्यू ये वाली ऐड होती अब क्योंकि नए वेरेबल में जो वैल्यू गई है वही ऐड होगी तो इसके हिसाब से ये 9 12 16 ऐड हुआ है यहाँ पे 9 13 और 16 ऐड होता है क्लियर बच्चों यस सर अगर मतलब अगर लूप भी लगा लेते तब भी आंसर अलग आता तो मतलब वैल्यू चेंज हो जाती ना कभी मतलब एरे में प्लस प्लस माइनस माइनस अगर यूज किया तो वो खुद की वैल्यू जरूर चेंज करेगा बाकी Yes, तो प्री और पोस्ट के हिसाब से वो किसी और वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो तो प्री के हिसाब से प्री वाली वैल्यू स्टोर होगी पोस्ट के हिसाब से पोस्ट वाली वैल्यू स्टोर होगी लेकिन खुद की वैल्यू तो चेंज करेगा ही करेगा क्योंकि प्री पोस्ट दोनों का अगर प्लस प्लस कर रहे हो तो बढ़ाना काम है तो यहां पर देखो उसने तुरंत बढ़ा दिया तो नाइन भेज दिया और यहां पर तुरंत नहीं बढ़ाया तो ट्वेल्व भेज दिया लेकिन खुद की वैल्यू उसने थर्टीन कर ली ये चीज कहना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपका टाइप कास्टिंग से रिलेटेड है और आपको प्रोग्रामिंग में भी इसको यूज करना आना चाहिए किसी भी कैरेक्टर के आगे अगर गोल वाले ब्रैकेट में आई एन टी लिख दिया तो इसका मतलब ये कैरेक्टर अपने आप आपको आस्काई कोड में बदल देगा तो टाइप कास्टिंग कहा जाएगा इसको ये टाइप कास्टिंग है यानी कि फोर्सली ये कन्वर्ट किया जा रहा है तो ए को आई एन टी में कन्वर्ट करके आप यहाँ पर सिक्सटी फाइव स्टोर कर देंगे कैपिटल देगा तो, कैप्टल फाइव होता है ना बच्चों अब यहाँ पर ये लूप की स्टार्टिंग नहीं बताई गई इसका मतलब आई से ही लूप चल रहा है इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है आप स्टार्टिंग यहाँ गायब करके ऊपर लिख सकते हो और ये अपडेशन यहाँ गायब करके नीचे लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं तो आपका 65 से लूप स्टार्ट हो रहा है अब यहाँ पे एक छुपी हुई बात क्या है कि अगर किसी लूप का कल ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं किया गया है तो इसका मतलब एक लाइन लूप के अंदर मानी जाएगी यानी ये लाइन खाली लूप के अंदर है लाइन लूप से बाहर है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो ये 65 से 70 तक लूप चलेगा और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ क्योंकि 65 70 तक लूप चलने पर i कैसा है इंटीजर है तो ये इंटीजर वैल्यू देगा लेकिन यहां पर कैर लगा हुआ है तो ये कैरेक्टर में बदलता रहेगा तो i की वैल्यू इस समय 65 है 70 से छोटी है नीचे आए तो 65 फाइव कैर में चेंज करने पर कैपिटल ए बन गया अब बच्चों आउटपुट निकालने में एक बहुत बड़ी गलती होती है कि आप

के बाद और सेवेंटी के बाद सेवनटी वन कंडीशन फॉल्स हो गई बच्चों अब आप लूप से बाहर आए और सेवेंटी वन को प्लस प्लस करा जा रहा है प्री इंक्रीमेंट तो पहले इंक्रीमेंट करेगा तो 71 वन टू हो जाएगा और सेवेंटी टू को कैर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा एच आएगा ठीक है एफ के बाद में एफ के बाद एफ के बाद में आपका सेवेंटी वन क्या हुआ मैं फिर से एक बार इसको सही करने की कोशिश करता हूं देखिए सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन और सेवेंटी यहां तक तो लूप चला ही था क्लियर Yes, अब तो तो से से कौन प्लस -प्लस तो तो सा हुआ H. तो एफ के बाद नहीं एफ तो था ही 70, फिर सेवेंटी वन जो है आपका जी हो जाएगा जी और सेवेंटी टू एच हो जाएगा तो यानी कि आपका एच प्रिंट होगा और इसमें बच्चों कॉमा नहीं लगाया है इसका मतलब लास्ट वाले में कॉमा नहीं आएगा तो यह भी एक ट्रिक दिखाई गई है इसमें ये जो समझा आपने वो तो समझ ही लिया होगा ये प्लस प्लस के कारण जो है एफ के बाद जी नहीं आया एच हो गया लेकिन एक और चीज आपने देखी होगी हर लेटर के बाद कॉमा था ठीक है अगर मान लीजिए सीरीज वगैरह कोई प्रिंट करानी है उस केस में आपको ये फायदा करेगा कि आपको हर नंबर के बाद कॉमा प्रिंट कराना होता है लेकिन लास्ट वाले नंबर में कॉमा नहीं चाहिए तो उस केस में आपका क्या करते हो कि लूप एक कम चलाते हो लूप एक कम चलाते हो तो क्या होगा लास्ट वाले नंबर का अपडेशन तो हुआ आई प्लस प्लस से लेकिन कंडीशन ट्रू नहीं हुई क्योंकि लूप एक कम चलाया तो लूप से बाहर आ जाओगे और लूप से बाहर आने पर आप विदाउट कॉमा उसको प्रिंट करा दीजिए तो क्या होगा लास्ट वाले उसमें कॉमा नहीं आएगा और अगर हम पूरा इक्वल टू तक लूप चला देते हैं तो एच के बाद भी आपका कॉमा आ जाता लेकिन हमें कॉमन नहीं चाहिए तो हम आखिरी वाला नंबर या आखिरी वाला कैरेक्टर लूप से बाहर अगर प्रिंट कराएं और विदाउट कॉमा प्रिंट कराएं तो आपका लूप के के अंदर वाले में कॉमा साथ सब कुछ प्रिंट हुआ और जो आखिरी था उसको कॉमा नहीं चाहिए था तो वो लूप से बाहर प्रिंट करा दिया तो ये एक टेक्निक है तो एच के बाद नहीं आया ठीक है तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद ही सेकंड वाले एसओपी या किसी और स्टेटमेंट में जाएंगे यानी लूप में सिर्फ एक ही लाइन पढ़ी जाएगी अच्छा याद रखिएगा बहुत अच्छी चीज थी खाली आप इसको मेरे साथ सॉल्व करते रहिए देखिएगा आपका कितना बड़ा इंप्रूवमेंट होता है और पेपर में कितना बड़ा फायदा होगा आपको अब आप देखिए यहां पे ये लूप दिया गया है क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी टाइम्स इनर लूप एग्जीक्यूटेड इनर लूप आउटर लूप के अकॉर्डिंग चलता है तो आउटर लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार को पूरा चलना पड़ता है। है? और जब इनर लूप फॉल्स होगा तभी आ, 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 बाहर निकलोगे और इंडिया यह प्रिंट होगा तो पहला क्वेश्चन तो है इनर लूप कितनी बार हो रहा है और दूसरा है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट प्रोग्राम ठीक है तो देखिए आप यहां पे ये ऐसा समझ लीजिए ये जब आ, ये आउटर लूप मान लीजिए आउटर लूप और ये आप इनर लूप मान लीजिए इनर मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इस चीज को देखने की कोशिश कीजिए तो फोर फाइव से फोर सॉरी थ्री जो है फोर से छोटा है कंडीशन ट्रू है नीचे आने पर अब इनर लूप कैसे चलेगा टू चलेगा ये टू और ये आपका आई के पास थ्री है तो टू थ्री से छोटा है तो टू चलाइए ठीक है और फिर नीचे आने पर स्पेस प्रिंट करा दिया स्पेस दिखाई नहीं पड़ता है तो उससे कोई लेना देना नहीं फिर आपका जो है आई प्लस प्लस होके अच्छा स्पेस मान लीजिए आउटपुट भी मैं लिख लेता हूं तो अगर ये स्क्रीन होती तो एक स्पेस आपका प्रिंट हो जाएगा ऐसे करके ये क्योंकि एलन लगाया नहीं है तो एक स्पेस आपका प्रिंट हो जाएगा उसके बाद आई जे प्लस प्लस हो क्या आपका थ्री हो गया तो कंडीशन फॉल्स तो कंडीशन वाले को एग्जीक्यूट होना नहीं माना जाता कंडीशन ट्रू होती तब माना जाता है वो एग्जीक्यूट हुआ तो यानी कि ये, ये टू लिखा है इसका मतलब एक बार चला भी इनर लूप उसके लूप फॉल्स हुआ लूप फॉल्स हुआ और आपका इंडिया प्रिंट हो गया तो इंडिया आपका यहां पर एक स्पेस के बाद प्रिंट हो गया उसके बाद आपका ऊपर वाला लूप चला जाएगा आई प्लस प्लस तो आपका थ्री से कितना हो गया फोर हो गया फोर फोर के इक्वल है तो ये आपका आउटर लो फोर लिख दीजिए और अंदर आने पर इनर लो फिर से टू से स्टार्ट होगा नीचे आने पर टू जे में टू स्टोर हो जाएगा तो देखिए ये टू चला तो टू फोर से छोटा है कंडीशन ट्रू तो फिर फिर आपका यहां पर ये स्पेस आया एक स्पेस और फिर जे प्लस प्लस होकर आपका थ्री हो गया तो यहां पर आप थ्री लिख दीजिए थ्री और थ्री फोर से छोटा है फिर से नीचे आए फिर से एक स्पेस दे दिया यहाँ स्पेस आ गया और फिर जे प्लस प्लस होके जैसे ही फोर हुआ कंडीशन फॉल्स फोर फोर से छोटा नहीं है यहां से बाहर आ गए और इंडिया प्रिंट करा दिया तो आपका ये स्पेस देने के बाद दो स्पेस देने के बाद इंडिया प्रिंट हो गया ये उसके जैसे जे प्लस प्लस होके आपका सॉरी आई प्लस प्लस होके आपका फाइव हुआ तो फाइव इज लेस देन इक्वल टू कंडीशन लूप से बाहर आ गए अब बच्चों ये जो नंबर मैंने लिखे हैं इनर लूप के ये वाले काउंट कर लीजिए अब आपको क्या लगता है लूप लूप इनर कितनी बार चला थ्री टाइम्स इनकी वैल्यू को ना देखिए ये कितनी बार चला इनको गिनना है तो वन टू थ्री तो थ्री टाइम्स ये चला और यहां पर आपका आउटपुट में और कोई लाइन चेंज नहीं हुई दोनों में तो सामने ही रहेगा अब यहां पे आप घबराइएगा नहीं यहां चाहे एक स्पेस लगे चाहे दो स्पेस लगे क्योंकि स्पेस दिखाई तो पड़ता नहीं बस थोड़ा सा दूरी करके आप प्रिंट कर दीजिए तो ये आपका आउटपुट सही माना रहेगा अब जैसे पहले भी मैं इसके स्पेस नहीं दिखा रहा हूं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता बस ऐसे इस सेम लाइन में आना चाहिए क्योंकि लाइन चेंज नहीं नहीं हुई है तो स्पेस अलग से दिखाने की जरूरत जैसे कि आप सोचे कि आप ऐसे दिखा दीजिए डैश डैश से तो डैश तो एक करेक्टर होता है तो करेक्टर तो यहाँ डैश प्रिंट नहीं हो रहा जैसे कॉमा एक करेक्टर होता है ऐसे डैश भी एक करेक्टर होता है तो यहाँ पे डैश आपको दिखाना नहीं है बात समझ में आ रही बच्चों हाँ तो ये दिखाया नहीं जाता अभी यहाँ पे कॉमा लगा दोगे तो कॉमा तो प्रिंट हो जाएगा ऐसे डैश तो डैश तो है नेक्स्ट तो इस क्वेश्चन तो तो इसमें भी बच्चों कुछ ऐसे ही है कि वर्ड विल बी द आउटपुट अच्छा इसमें ये नहीं पूछा गया कि कितनी बार लूप रन हो रहा है तो आउटपुट देखने के लिए इसका जो बच्चा हुआ पार्ट है मैं इसको एक बार यहाँ से देख लूँ क्या है अरे बाप रे तो काफ़ी बड़ा है यार तो ठीक है मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ ठीक एक साथ हो जाए जिससे काफ़ी मज़ा आती है ये तो आउटपुट वगैरह अपना उससे डरना नहीं है आपको उस उसमें घुसने कोशिश करना है कि क्या हो सकता है क्या हो सकता है ऐसे करके मैं कर रहा हूं बच्चों ये आपका इसमें इफ कंडीशन थी क्या हाई इफ कंडीशन है बी नॉट टू इज टू इज टू जीरो यहां तक है मैंने यहां पे कॉपी कर लिया है हमें लग रहा है ये रिपीट हो गया है क्या क्योंकि कंटिन्यू सबसे लास्ट में आया है तो ये एक क्वेश्चन में आ चुका है अभी देख लेते हैं अच्छा बच्चों एम एस वर्ड से कभी भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका यहाँ पे कोई ना कोई एरर कॉमा उसकी रह जाती है तो उसकी वजह से अगर कोई एरर आती तो आती है अदरवाइज ये एरर है नहीं इसमें कोई ठीक है आपका क्या हुआ ये लूप खुला और ये लूप बंद हो गया उसके बाद दो एसओपील है और फिर आपका फंक्शन मैंने क्लोज कर दिया प्रिंट वाला जो था फंक्शन क्लोज करने के बाद फिर ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट है ओके। okay. फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन के अंदर आउटपुट ऑब्जेक्ट बनाकर इसको कॉल कर लिया प्रिंट फंक्शन को अब कोई नहीं है शायद नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हो रहा है यहां पर कि दो वेरिएबल लिए गए हैं सम और सी नाम के दोनों में आपका जीरो स्टोर करा लिया गया है उसके बाद अब बी वन से टेन तक चलेगा ओके okay. और सी की वैल्यू आप चाहे तो C की यहां लिखते है। और इसमें गया। अगर है। तो अब यहाँ पे सी प्लस प्लस कोई वर्किंग तो कर नहीं रहा है। खाली सी प्लस प्लस हो रहा है तो इसका मतलब आप इसकी वैल्यू यहीं पे चेंज कर दीजिए क्योंकि अगर ये सी प्लस प्लस एसओपी के साथ होता तो हम पुरानी वैल्यू लेते या किसी के साथ कैलकुलेट हो रहा होता तो हम पुरानी वैल्यू यानी कि जीरो लेते लेकिन ये सी का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है मैं देख पा रहा हूं तो इसका चेंज कर इसकी। तो आपका सी में वन था तो सॉरी जीरो था तो आपका सी प्लस प्लस होकर वन हो गया फिर बी में आपका वन था वन टू से डिवाइड नहीं होता कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप एल्सिफ में आ गए और वन जो है आपका बड़ा है टेन से नहीं बड़ा है तो आप इसके एल्स में जाओगे और और का मतलब होता है सीधे पार्ट पे भेज दे और continue के नीचे अगर कुछ लिखा होता तो वो एक्सक्यूट नहीं होता continue का मतलब सीधे सीधे में में ले जाए और मैं ये चीज़ कर रहा हूं फिर से कि for loop है तो सीधे पार्ट में जाएगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा लेकिन वाइल्ड अगर है तो सीधे कंडीशन पे जाएगा अपडेशन पार्ट छोड़ देता है ये ध्यान रखना तो कंडीशन हाँ, दोनों फॉल्स है तब भी तो ऊपर चला जाता सर

तो जब भी आपका कंडीशन ट्रू होती है हो, कंटिन्यू मिल जाता है तो फिर वो नीचे कंडीशन में, तो मतलब हो हो, तो, किसी किसी में ही लिखा होता है तो मान लीजिए ये कॉन्टिन्यू हम यहाँ दे देते यहाँ पर तो ये तो कंडीशन ट्रू होनी पड़ती ना तभी तो कंटिन्यू मिलता है यहाँ पर अब ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो यहाँ से सीधे आप ऊपर चले जाते अब इसके नीचे मान लिये एल सिल के ना लगा होता कुछ प्रिंटिंग होती तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो पाता क्योंकि का मतलब सीधे अपडेशन पे ले जाओ और नीचे लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करो ये कॉन्टिन्यू का मतलब है अब कंडीशन के अंदर पहले से ही दिया है सारी कंडीशन ही बनी हुई है तो वैसे भी आप अगर इफ ट्रू हो गए तो एल में तो नहीं आएंगे चाहे कॉन्टिन्यू लगा हो या ना लगा हो ये इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कॉन्टिन्यू कि आप कुछ और सोचने लगे कि कहीं इससे ये तो नहीं होगा वो तो नहीं होगा कोई अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं है कॉन्टिन्यू का ये तो आप बी प्लस प्लस करके टू कर देंगे 2 भी 10 से छोटा है नीचे आया C++ होके आपका 2 हो आपका गया और बी की वैल्यू टू है अब टू टू से डिवाइड हो जाता है कंडीशन ट्रू है तो नीचे आए तो सबसे पहले सब में टू एड हो जाए सब में टू एड हो गया सब में जीरो था ना जीरो प्लस टू टू एड हो गया अब इफ ट्रू हो गए तो एल्सिफ या एल्स में नहीं आओगे यहाँ से सीधे बाहर जाओगे और यहाँ से लोग फिर से तो अपने आप डायरेक्टली ऊपर ले ही जाएगा B प्लस प्लस होकर थ्री हो गया अब थ्री थ्री होने पर ये C भी आपका थ्री हो जाएगा अब थ्री टू से डिवाइड नहीं हुआ तो कंडीशन तो आप एलसीफ में आओगे और एलसीफ में हाँ आप देखो एलसीफ में जब आए तो यहाँ क्या लिखा है सम सम में क्या टू हो चुका है सम uh, में क्या टेन से बड़ी वैल्यू हो चुकी है फिर से एक बार ध्यान देंगे कंफ्यूज नहीं होइए क्योंकि ये ऐसे लिखा जा सकता है जैसे LC में लगाई, तो को लिख दिया तो ऐसा नहीं, नहीं होगा हो तो तो अभी सब में क्योंकि टू है तो टू टेन से बड़ा नहीं है तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई जैसे कि थ्री टू से डिवाइड नहीं होता ये कंडीशन फॉल्स हुई ऐसे सम में तो अभी टू ही आया है तो टू टेन से बड़ा नहीं है तब भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंटिन्यू क्या करे ऊपर ले जाए अब यहां पे आपका क्या हो गया थ्री से प्लस प्लस होकर फोर हो गया अब फोर ये भी फोर हो जाएगा अब फोर टू से डिवाइड होता है फोर टू से डिवाइड होता है तो फोर आपका इसमें ऐड हो जाए तो मैं अभी ऐसे लिखे दे रहा हूं बाद में ऐड कर लूंगा तो टू प्लस फोर हो गया उसके बाद अब इफ ट्रू हो गए तो एल में या एल्स में नहीं आओगे फिर से लूप ऊपर जाएगा अब ये फाइव हो गया अब फाइव टू से डिवाइड होता नहीं होता है तो आप एल में आ गए में अब और टू एट हुआ तो एट आपका टेन से बड़ा है नहीं बड़ा है कंडीशन फॉल्स फिर आप एल्स में आ गए कंटिन्यू ऊपर ले जाएगा अब फाइव से हो गया सिक्स अब कुछ बदलाव आएगा अब सिक्स हो गया आज मैंने इसको प्लस प्लस नहीं किया ये अभी आ, अभी ये फाइव से डिवाइड नहीं हुआ था और सर फोर प्लस टू सिक्स होता है हाँ हा, एक मिनट अभी मैंने फाइव चेक किया था ना फाइव टू से डिवाइड नहीं हुआ था तो एलसीएफ में आया और ये एट टेन से बड़ा नहीं है तो अभी फाइव ही है ओके कंटिन्यू से ऊपर गए तो, सिक्स 10 हा, वाला, में हाँ सिक्स हो गया ये नीच और... सर नीचे सम सम में अच्छा मैंने एट लिख दिया ओके ये 6 चेक हुआ था तो सिक्स आपका एट से बड़ा नहीं है लेकिन यहाँ पर ये यह मैं इसको बढ़ाना भूल गया ना कि क्योंकि यह तो आपका भी फाइव नहीं जब बी प्लस प्लस क्योंकि बी के साथ प्लस प्लस हो रहा है सी तो बी प्लस प्लस होकर सिक्स हो गया तो इसका मतलब ये भी सिक्स हो जाएगा अब सिक्स आपका टू से डिवाइड होता है हाँ होता है तो सिक्स भी इसमें सम कर दो तो प्लस सिक्स हो गया अब जोड़ो कितना हुआ 12. अब 12. हाँ आप देखो कंडीशन अगली बार में ट्रू होगी अब इफ ट्रू हो गई तो एल सिफ में या एल्स में नहीं आओगे इफ से बाहर गए और बी प्लस प्लस हो गया और ये भी आपका सी सेवन हो जाएगा अब सेवन टू से डिवाइड होता है नहीं होता है तो आप एल सिफ में आओगे और सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है ट्वेल्व पुराने वाले के हिसाब से ट्वेल्व हो चुकी है और आपका ट्वेल्व बड़ा है टेन से कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक से आप क्या किया आप लूप से बाहर आ गए अभी सेवन अभी के बाद एट नाइन चल सकता था एट नाइन टेन तो अब नहीं चलेगा ब्रेक मिल गया तो लूप से बाहर आ गए अब जरा याद कर लो सी की से में 7 है और uh, सी सेवन है ठीक <coughs> है, है।, है लूप से बाहर आए आप यहाँ पर देखिए वही आ गया आपका ट्वेल्व यहाँ प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे सेवन प्रिंट हो जाएगा ठीक है सर हाँ तो घबराओ नहीं बस अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखो कि कहीं कोई गलती ना हो इसके लिए ओके तो ये क्वेश्चन हो गया है अब थर्टी वाला क्वेश्चन देखिए जल्दी से जहां जहां पर कुछ टेक्निकल क्योंकि तो अगर आप साथ चला रहे हो तो आप क्वेश्चन पूछ पाओगे और अगर आप दर्शक बन के सुन रहे हो तो आपका दिमाग चलना बंद कर देगा आप जब यहां पे मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मैं सर से पहले कैसे आंसर निकाल लूं, ठीक है और अगर हमारा आंसर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आपको पूछना है तो देखिए ये आपका जीरो फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एरे इनलाइजेशन है एरे इनसेलाइज हो गया एंटी टाइप का अब ये कह रहे हैं फोर वाले इंडेक्स नंबर पे जो भी नंबर है डॉट पावर का मतलब पावर कर दे तो फोर वाले इंडेक्स नंबर पे क्या दिखाई पड़ रहा है आपको सेवन जीरो दिखाई पड़ रहा है टू वाले इंडेक्स नंबर पे थ्री दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब सेवन की पावर थ्री हो रही है बताओ सेवन सर सिक्सटीन के ऊपर कितनी आई वैल्यू सेवन की पावर थ्री थ्री फोर्टी थ्री थ्री फोर्टी थ्री आया ठीक और आयुष बेटा आप क्या पूछ रहे थे सर, सर का वो सेवन ही है सर वो शायद मुझे लग रहा है कुछ हो गया अच्छा वो सेवन ही है सिक्सटीन नहीं है yes, उसके नीचे आए और एन ऑफ फाइव में जो भी वैल्यू हो तो एन ऑफ फाइव में आपका नाइन दिखाई पड़ रहा है यहाँ नाइन ले लिया और 9 का, आ, और उसके बाद यहाँ पर एक गलत चीज दी गई है ये गलत ही है या तो इसको डॉट पाओ कर दें हम और नहीं तो आप यहाँ समझ लीजिए स्क्वायर रूट किसी एक ही नंबर के निकलता है ना या कॉमा लगा के दो दो नंबर लिख दिए गए तो दो नंबर नहीं हो सकते ये गलत प्रिंट हो गया है सर पाओ में भी सर, इतना बड़ा नंबर तो नहीं दे सकते सर सेवन जैसे नहीं क्यों नहीं दे सकते सेवन की पावर थ्री आपको आनी चाहिए इतना थोड़ा होता है जैसे।, जैसे दे कि की पावर एट ऐसे कुछ तो नहीं देंगे हाँ उतना नहीं देना चाहिए लेकिन अगर दे दिया तो आपको करना पड़ेगा जैसे कैलकुलेशन हो जाएगा ना तो सी लेसन ऑफ फाइव एन ऑफ फाइव पे देखिए क्या है एन ऑफ फाइव पे आपका नाइन नाइन तो का स्क्वायर रूट आप निकालो तो आपका थ्री पॉइंट और इसमें भी आपका 3, ये जीरो ही आएगा तो ये एक आउटपुट हो गया एक आपका ये आउटपुट हो गया थ्री फोर थ्री पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो लगाना ना भूलना मैट डॉट पाओ मैटॉट एक्टी दोनों पॉइंट वाली वैल्यू देते हैं तो ये गलत है क्योंकि एसक्यू आर टी में सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट रह सकता है दो आर्गुमेंट नहीं हो सकते और मैट डॉट पाव में अगर एक आर्ग्यूमेंट दे दे तो भी वो गलत है उसमें दो ही आर्गुमेंट होने चाहिए उसके बाद एक ये क्वेश्चन दिया गया इसमें कराना क्या चाहते हैं कराना तो बताया नहीं बस इसका मतलब चलाओ सीधे आउटपुट बताओ ये आउटपुट ही होगा तो देखिए माइनस वन और माइनस टू ए बी में स्टोर है और फिर आपका यहां पर ए प्रिंट कराया तो ये आपका माइनस वन प्रिंट कर देगा हाँ यहां पर भी एक बच्चों में बताना चाहूंगा बच्चे देखते हैं ए प्रिंट हुआ तो ए में माइनस वन था तो माइनस वन प्रिंट कर दिया ऐसे आउटपुट नहीं देना है मैसेज तो आपको बी इज इक्वल टू माइनस टू ऐसे देना है आपको उसके बाद यहाँ चेक किया जा रहा है कि माइनस वन ग्रेटर देन माइनस टू बताओ बच्चो माइनस बड़ा है क्योंकि माइनस वाली नंबर में जो जीरो के नजदीक है वो बड़ा है और जो जीरो से ज्यादा दूर है वो छोटा है तो माइनस वन जीरो के नजदीक है यानी ये माइनस वन माइनस टू से बड़ा है कंडीशन ट्रू हो गए तो ए अपनी वैल्यू तो यहाँ पे आपका माइनस वन ये, ये पूरा वर्ड प्रिंट होगा मैक्स वैल्यू इज <laughs> इक्वल टू इज इक्वल टू लगा है तो लगाना पड़ेगा आपको और फिर यहाँ पर माइनस वन प्रिंट हो जाएगा बच्चों नेक्स्ट है माइक ऑफ कर लीजिए यहाँ पे आपका स्ट्रिंग फंक्शन का फिर से आ गया स्ट्रिंग फंक्शन बहुत पूछा जाता है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक्समेटरी साइन जैसे एक करेक्टर है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते करेक्टर से ही तो मिलकर स्ट्रिंग बनती है तो यानी सेवन पे एक्समेटरी साइन आया है अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं एस टी आर डॉट का मतलब आखिरी चेक करना होता है कि जो भी यहाँ पे दिया गया है डबल कोर्स में वो क्या इस स्ट्रिंग का लास्ट पार्ट है तो देखिए यहाँ पर फन एक्सप्लेनेटरी साइन यहाँ पे दिया है और यहाँ पे चेक कीजिए वो लास्ट पार्ट है सर है कंडीशन ट्रू तो है तो यहाँ पर ये आपका ट्रू आ जाएगा ठीक है सर जैसे यहाँ पे ये हैव फन के बीच में स्पेस तो है नहीं तो ये तो सर एक ही वर्ड हो गया पूरा मतलब थोड़ा सा हाँ, तो ये आपको फंडामेंटल ही बताने के लिए हम बैठे हैं अब देखिए बच्चों ये जैसे डबल कोर्स तो में दे देते तब भी ट्रू आता मैं देखो आपको जो बताना चाह रहा हूं मेरे बगैर कहे आप समझ जाइए खाली एक्सप्लेनेटरी साइन दिया तब भी ट्रू कहता क्योंकि आखिरी में एक्सप्लेनेटरी साइन है खाली अगर हम ऐसे दे देते n x मिलिट्री साइन ऐसे दे देते तब भी ट्रू आता अगर हम u n x मिलिट्री साइन दे देते तब भी ट्रू आता और अगर हम यहां पर फन और एक्सप्लेंटरी साइन ना देते तो फॉल्स आता मतलब पीछे से चाहे एक करैक्टर हो और चाहे दो करेक्टर हो चाहे चार करेक्टर हो चाहे एक वर्ड हो चाहे दो वर्ड हो चाहे चार वर्ड हो पीछे से लगातार आपका सेम होता चला जा रहा है तब तो ट्रू देगा अगर पीछे वाला एक भी करेक्टर गायब हुआ तो फॉल्स दे देगा ये कहना चाह रहा तो यहाँ पे वर्ड से मतलब नहीं है कि फन एक वर्ड है उसके बीच में स्पेस तो नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं बिल्कुल सेम मिलता चला जाए जा पीछे से के आगे की ओर कुछ दिमाग में गया बच्चों यस 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 बच्चो हाँ ये इस तरीके से दोनों फंक्शन वर्क करते हैं स्टार्ट विद और एंड विद तो ये आपका यहाँ पर ट्रू आ जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्र डॉट स्टार्ट विद कर दिया और फन पूछ दिया तो फन स्टार्टिंग में है क्या नो no, सर no, तो फॉल्स आ जाएगा बस हो गया उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर बट वो वाली सेकंड uh, वाली कंडीशन के बाद कोलन लगा सेकंड वाली कंडीशन

उसके बाद यहाँ पे इसको जरा एक्सप्लेन सॉल्व कर करू है तो ये आपका -2 है सी की वैल्यू माइनस टू और फिर आप प्लस लगा दीजिए और फिर गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि जब भी इक्वल साइन से पहले कोई ऑपरेटर आ जाता है तो इक्वल साइन पे आप गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ध्यान रखिए उसके बाद हाँ तो आपका ये सी की वैल्यू माइनस टू थी ना तो माइनस टू लिख के प्लस फिर इक्वल साइन पे गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया और डी की वैल्यू वन है तो यहाँ वन लिख दिया फिर वन के बाद प्लस और सी की वैल्यू माइनस टू थी तो माइनस हाँ, माइनस वन आप यहां पे भी देख लीजिए माइनस टू से प्लस प्लस कर रहे हैं जीरो से दूर जाइए तो ये माइनस वन आ जाएगा आपका यहाँ पर उसके बाद जो है प्लस डी माइनस माइनस लिखा है तो डी के पास क्या था वन था इंक्रीमेंट है इसका मतलब बिल्कुल Post -increment है तो वन ही रहेगा अब इसको सॉल्व करें तो देखिए माइनस माइनस वन आ जाएगा हाँ, ये plus, minus, minus हो जाएगा तो 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 में में से प्लस, minus, minus हो जाएगा, तो वन में से वन चला गया तो दोनों कट गए तो अब खाली ये प्लस वन का बचा है तो प्लस वन जब यहां आएगा और माइनस टू से आपका वर्क करेगा तो माइनस वन आ जाएगा ठीक बिल्कुल सही निकाला आंसर आपने देख लिया सारे बच्चों ने कोई क्वेश्चन किसी का बच्चे आप समझ लीजिए एग्जाम से पहले ये जो हम प्री बोर्ड पढ़ा रहे हैं इसकी वीडियो को रिपीट कर ली जरूर लीजिएगा या पहले छोड़िए दिमाग में बैठ जाए तो फास्ट ट्रैक में इसको एक बार या पहली बात अपने आप असाइनमेंट हमने आपको दिए ही है सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आउटपुट मैच कर सकते हैं आप वीडियो से जल्दी जल्दी चला के देख लीजिए लेकिन इसको अपने आप सॉल्व करिएगा ही करिएगा इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों मैं यहां पे देख पा रहा हूं ये हाँ यहां आप कह रहे हैं हाउ मैनी टाइम्स विल द बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड ठीक है ओहो बहुत अच्छा अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज होंगे जीरो फाइव से छोटा है कंडीशन टू है तो नीचे आएगा जे प्रिंट कर दे आ, आई प्रिंट कर दे तो आई के पास जीरो था और लाइन लगा है तो लाइन चेंज हो जाएगी तो जीरो प्रिंट हो जाएगा लाइन चेंज करके कर सर नीचे आ जाएगा अब लूप का नेचर है कर्ली ब्रैकेट खुले या ना खुले वो यहाँ से ऊपर थोड़ा जरूर जाएगा अब क्योंकि यहाँ पे सारे वेरिएबल इंटीजर हैं तो टू डिवाइडेड बाय थ्री करोगे तो क्या बचेगा बच्चों जीरो यस टू डिवाइडेड बाय थ्री करोगे तो जीरो अगर ये मॉड का साइन होता तो क्या बचता मॉड का साइन होता तो टू ही बचता तो yes, हाँ, छोटे नंबर को जब बड़े नंबर डिवाइड करते हैं तो अगर मॉड साइन है तो वही छोटा नंबर बच जाएगा और अगर डिवाइड साइन है तो जीरो हमेशा बचता है है ठीक तो ये बात याद रखिएगा तो ये क्या आएगा आपका जीरो ही आ जाएगा और जीरो को आई में में ऐड कर रहे हैं तो आई में क्या था पहले से ही जीरो था तो जीरो प्लस जीरो, तो जीरो ही आ गया अब जीरो यहां से यहां आओगे गए जीरो फाइव से छोटा है कंडीशन टू नीचे आई प्रिंट कर दे तो आई के पास जीरो था तो जीरो कर देगा फिर उसके बाद टू डिवाइडेड बाई थ्री हुआ तो फिर से जीरो मिला और i के पास जीरो पहले से था जीरो प्लस जीरो, जीरो हो गया अब फिर यहाँ से यहाँ आओगे गया जीरो इज लेस देन फाइव कंडीशन टू फिर से i फ्रेंड कर दे अब आइडिया लग पाया क्या हो रहा है सर इनफिनिट लूप है यस yes. तो यहाँ पे पूछा गया था infinite. हाँ यहाँ पे पूछा गया था लूप कितनी बार एक्सक्यूट हो रहा है तो आप यहाँ पे लिखोगे इनफाइनाइट टाइम इनफाइनाइट टाइम्स आउटपुट है इसका मतलब इसके बताना, तो ये आप, आपको लिखना है, इतनी हो रहा है। इसमें देखते हैं और अपने हिसाब से उम्मीद करने लगते हैं कि हाँ इसका ये आउटपुट आएगा कुछ अलग टाइप का जो दिखाई पड़ रहा होता है उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं यार ये थोड़ी ढोगा लेकिन वो क्वेश्चन ही इसलिए दिया गया कि वो होगा अब जैसे यहाँ पे जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है टू डिवाइडेड बाई थ्री से क्या होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे और दूसरा ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है आपने देख लिया क्योंकि बार बार टू जीरो ही आएगा और जीरो को जीरो से ऐड करोगे जीरो ही बनता रहेगा तो इसलिए ये जीवन भर चलता ही रहेगा जब तक तो कंप्यूटर खुला है देखिए बच्चों इसमें आ जाइए बताइए बच्चों ये मैं चाहता हूं आप लोग खुद बताएं ये एसओपीएल एन का आउटपुट है क्या आएगा सर इसका आ जाएगा हमारा सेवन पहले का नहीं सर टू फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी और दूसरे का सेवन आ जाएगा क्योंकि वो ब्राकेटो टू फाइव आएगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा आप अभी अभी मैंने रिपीट किया था मैसेज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं यस yes, सर हाँ, yes, तो, तो नहीं करना है तो ये आउटपुट आएंगे ठीक उसके बाद अब देखें किसको कंपेयर टू फंक्शन आता है यहाँ पे आप इसको कंपेयर करिए रिजल्ट क्या आएगा अब यही पे आप सब सब हाँ यस माइनस वन माइनस वन अब देखिए यहीं पे आपको डिसीजन इस चीज का ले लेना है कि अगर आपका आउटपुट ये सही नहीं आता है तो इसका मतलब आपको स्ट्रिंग के फंक्शन वाला वीडियो चलाकर दोबारा देखना है कंपेयर टू तक पहुंचकर फट से समझिए सर सर जो स्ट्रिंग का जो उसमें वीडियो में पढ़ा सर वो पहला वीडियो है ना सर जिस पे? वो देखो यार हमने बहुत जगह डाला है स्ट्रिंग का वीडियो, हाँ, की वीडियो है आपे? सारी वीडियो है बेटा सर स्ट्रिंग हैंडलिंग करके जो सर उसमें फोल्डर है उसमें आप ढूंढो अगर उसमें नहीं मिलती है आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है जो भी मैंने कहा ये वीडियो वहां देख लेना तो आप ऑनलाइन वाले फोल्डर में ढूंढो ऑनलाइन वाला जो फोल्डर है जिसमें इस साल पढ़ाया है उसमें तो सारा कुछ मिलेगा ही मिलेगा आपको अभी कोई दूसरा बच्चा कुछ पूछ रहा था क्या पूछ रहे थे <laughs> कोई और भी बच्चा कुछ पूछ पूछ रहा रहा था था हमें ऐसा लगा कि हाँ, मतलब मैं पूछ रहा था कि मैं की वीडियोस मतलब मतलब किधर पड़ी मिल जाए तो फिर हमको वहाँ पे नहीं मिला स्टडी मटेरियल तो मैं सोचा वीडियो देख ली नहीं यार ये कैसे कह रहा कि तुमको वीडियो नहीं मिली मैटी

ये वीडियो में गए तो जिस समय इस समय जो मैं पढ़ा रहा हूं तो प्री डेटा है तो वो इसमें डाला जा रहा है ठीक है और जो नया बैच ऑनलाइन वाला चालू हो से इसमें चल रहा है फिर बाकी ये आपका स्ट्रिंग है ये आपका सर, वो पेंशन टॉपिक सर पेंशन टॉपिक जाओ शांत हो जाओ ये सीरीज है स्ट्रिंग ऊपर हो गई ये पैटर्न है ये पहला वाला बैच था जो ओवर हुआ है ऑनलाइन इसी साल वाला तो इस इस बैच में तो सब कुछ मिल जाएगा जहाँ कहीं भी आप कुछ भी ढूंढना चाहते हो अब देखो यहाँ पर आ, माज बेटा आपको यहाँ पे एरे दिखाई पड़ रहा है हाँ यस सर ये नीचे ऊपर नीचे फोल्डर हो गया तो ये नीचे है और इसमें आपका पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फाइव पार्ट सिक्स पार्ट सेवन पार्ट एट पार्ट नाइन अप टेन एलेवन ग्यारह वीडियो पड़ी हैं लेकिन ये डेटा कौन सा है ये डेटा जो पिछले साल मैंने पढ़ाया था जो सेपरेट सेपरेट फोल्डर पढ़े हैं, वो पिछले साल वाला डेटा पढ़ाया था वो है सारा कुछ ठीक है और जो, yes, और जो इस साल yes. पढ़ाया है, वो ऑनलाइन वाले उसमें है, बस इतना ही अंतर है स्टडी मटेरियल मटीरियल बाकी आयुष तुम पूछ रहे थे फंक्शन ये दिखाई नहीं, नहीं पड़ रहा यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये देखो क्वेश्चन yes, ये 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 फंक्शन पार्ट वन पार्ट टू फिर कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग फिर फंक्शन की थ्योरी फंक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन की थ्योरी फिर ऐसे यहाँ पे फंक्शन और कंस्ट्रक्टर पार्ट टू फिर से जाने कैसे आ गया ये जो भी था बच्चों की हेल्प करने के लिए हमने पुराना नया मिक्स करके ये सब दे दिया है तो ये फंक्शन का है बाकी आप study में, में, हाँ, बाकी आप स्टडी मटेरियल को भी गौर से समझिए स्टडी मटेरियल में मैंने देखो ये कंप्लीट थ्योरी टॉपिक वाइज अपडेट कर दी है थ्योरी मतलब अब आपको थ्योरी वाकई में कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है ये चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री चैप्टर फोर चैप्टर फाइव चैप्टर सिक्स चैप्टर सेवन चैप्टर एट चैप्टर नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एक्चुअली मैं बता दूं ये हमारी बुक है जो आने वाले फ्यूचर में यानी कि अगले साल या उसके अगले साल जैसा भी व्यवस्था बन पाएगी तो ये बुक आपकी लॉन्च हो जाएगी ठीक है तो उससे पहले मुझे आपको आ, इस साल आपका आ, मैंने पहली बार ये किसी को दिखाया है तो क्या दे, हमारा कुछ जाता नहीं क्योंकि हमारा इस ऐप से कोई निकाल तो सकता नहीं कुछ तो इस वजह से मैंने दिखा दिया है और इसमें टॉपिक के हिसाब से नीचे प्रोग्रामिंग भी दी गई बच्चों तो प्रोग्रामिंग आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है प्रोग्रामिंग तो हमने पढ़ाई है आपको जो पढ़ रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन इसमें सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन देखने हैं क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो आप नीचे सरसरी निगाह से कौन कौन से अच्छा टॉपिक के प्रोग्राम हो सकते हैं उसको सरसरी निगाह से देखना चाहो तो नॉलेज ही बढ़ेगी लेकिन पहला कदम आपका होना चाहिए कि आप आप थ्योरी से पढ़ोगे हर टॉपिक की और उस, उसके बाद टाइम मिलता है तो आप प्रोग्रामिंग देख सकते हो क्योंकि प्रोग्रामिंग भी दी तो है ही उसके बाद प्री बोर्ड का जो भी असाइनमेंट सॉल्व करना था वो मैंने यहाँ पे डाला है और असाइनमेंट नाम का जो फोल्डर है ये ये असाइनमेंट इसमें भी मैंने यहाँ पर ये असाइनमेंट डाला है कि आप जो भी असाइनमेंट सॉल्व करोगे तो मैंने कहा था अलग अलग सॉल्व करना स्ट्रिंग के चीजें सॉल्व करो तो स्ट्रिंग का इकट्ठा मतलब आपके पास भी मैं ये चाहता हूँ वो डेटा इकट्ठा मिल जाए तो स्ट्रिंग का सॉल्व करो आउटपुट थ्योरी तो आ, आ, या प्रोग्रामिंग तो वो स्ट्रिंग के वाले एक फाइल बना दी कितनी बड़ी बात हो जाएगी ऐसे ही आप एरे सॉल्व करो तो एरे के आउटपुट जितने थे उसी फाइल में है एरे की प्रोग्रामिंग जितनी थी उसी फाइल में है एरे की थ्योरी जितनी थी उसी फाइल में तो थ्योरी आउटपुट प्रोग्रामिंग एक साथ एक फाइल बन गई और उसको आप यहाँ पर अपलोड करो और साथ में आपके पास वो क्योंकि डेटा हो जाएगा तो आपको फिर उस उस टॉपिक का मतलब जड़ से आसमान तक का सब आपके पास हो गया क्योंकि आपने थ्योरी भी उस टॉपिक से रिलेटेड छांट के एक फाइल में बनाई है आउटपुट भी उस टॉपिक से रिलेटेड छांट के एक पार्ट में बनाए हैं और प्रोग्रामिंग भी तो ये हर टॉपिक वाइज आप कर सकते हो यह आपको करना चाहिए और मैं तो कही सकता हूँ मैंने मतलब थोड़ा सा ये भी कहने की कोशिश की नहीं आपको करना ही पड़ेगा नहीं तो आपको ये सजा मिलेगी वो सजा मिलेगी इस तरीके से मैंने कहा लेकिन सजा में क्या दूंगा सजा तो ऊपर वाला दे देगा अगर आपने नहीं किया इसलिए आप ये करिए जरूर बाद बाद उसके बाद आपका ये बोर्ड वाला हो गया और फिर देखिए एमसीक्यू के जितने भी टेस्ट हो रहे हैं तो जो हर संडे टेस्ट लिया जा रहा है एमसीक्यू एक दिन में तैयार नहीं कर पाओगे क्योंकि कंफ्यूजन उसमें क्रिएट किया जाता है तो इसलिए एम सी क्यू के लगातार टेस्ट हो रहे हैं तो इन फाइलों में मैंने आउट उनका जो क्या सही करेक्ट आंसर है उसको टिक करके ये फाइलें अपलोड कर दी। टेस्ट होने के बाद तो अभी तक चार टेस्ट हो गए हैं और हर संडे वो टेस्ट हो रहा है कभी भी इग्नोर नहीं करना है तो ये सब इंपॉर्टेंट डेटा में लेके आपका आपके लिए बार बार आ रहा हूं तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट समझिए क्योंकि दस या बीस क्वेश्चन जो भी आपके आ रहे हैं एम के वो मैटर करेंगे आपको नाइनटी अब भी पहुंचाने में उसके बाद जो है आप देखिए यहाँ पे ये आपका प्रीडिफाइंड फंक्शंस जैसे फंक्शंस की दिक्कत होती है तो इसमें सब प्रीडिफाइंड फंक्शन मैथ क्लास फंक्शन स्ट्रिंग क्लास फंक्शन और करेक्टर क्लास फंक्शन तीन तरीके के फंक्शन होते हैं तीनों को एक्सप्लेन किया गया है तो आप यहाँ से इसको आउटपुट uh, सही दिया गया है तो आप इसको पढ़ सकते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन के बाद फिर आपके आउटपुट क्वेश्चन तो आउटपुट क्वेश्चन की ये देखो मैंने एक फाइल डाली अभी और भी अपडेट किया जाएगा एक फाइल तो सिर्फ यही फाइल आप ओवरऑल पढ़ डालिए तो आपको काफी कुछ आउटपुट के क्वेश्चन मिल जाएंगे बाकी हमने न्यू फाइल तो अब करा ही रहे हैं इस समय हम आपको तो ये आउटपुट क्वेश्चन हो गया फिर ये वाला जो एम दिया है इसमें हमने ओवरऑल जितना डेटा था एमसी का वो सब दे दिया है बहुत कुछ दे दिया है आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना डेटा इसमें कुछ पेपर्स बनाए थे पिछले साल वो दे दिए हैं ऐसे करके बहुत सारे हैं और कुछ बुक्स भी पढ़ी हैं अब जैसे यहाँ पे एरे खोल दिया तो एरे के एमसीक्यू मिल जाएंगे है ना ऐसे आपका पिछले साल फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर हुआ था तो उसके हिसाब से टॉपिक वाइज आपके ये एमसीक्यू सी क्यू क्वेश्चन पड़े टॉपिक वाइज देखिए फंक्शन के एमसीक्यू कंस्ट्रक्टर के एमसीक्यू ऐसे करके भी पढ़े हुए हैं ये देखिए कंस्ट्रक्टर के एमसीक्यू फंक्शन के एमसीक्यू बेसिक जो नाइन्थ क्लास के एमसीक्यू होते हैं वो भी आपके उसमें आएंगे तो वो भी सब हैं और फिर यहां पे टेस्ट पेपर ये टेस्ट जो मैंने लिए थे वो भी यहाँ पे एम के कि देखिए कितने सारे पड़े हैं और उसके बाद एक और फोल्डर है न्यू करके ये इसमें सैम्पल पेपर फॉर क्लास टेंथ फर्स्ट टर्म अब ये देखो जावा की फुल थ्योरी का एक फाइल भी यहाँ पे पड़ा है ये ये थ्योरी अलग है लेकिन हमने जो दे दिया है उससे ऊपर कहीं नहीं जाना लेकिन अगर पढ़ना चाहे तो यहाँ पे भी जाए सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ मिल जाएंगे ये जावा की फुल थ्योरी बस बच्चे देखते ही नहीं कि उनको क्या क्या दे दिया गया है ये गलत बात है और इसका मतलब परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है इसलिए ये कोई प्री बोर्ड के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं बोर्ड का हम असाइनमेंट सॉल्व करा रहे हैं प्री बोर्ड और प्रोग्रामिंग आपने क्लासेस में पढ़ी है बाकी आप सब यहाँ पढ़ा दे रहे हैं आपको बहुत अच्छा हो जाएगा ये बोर्ड के हिसाब से डेटा आपको सब पढ़ना है और आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या दिया है तो ये एम हो गए और ये देखिए असाइनमेंट जो पुराना वाला मैंने दिया था उसका भी यहाँ पर डेटा अवेलेबल है और इसके बाद जो है मैं एक बार अब हो रहा है तो मैं पूरी चीज रिकॉर्डिंग में आ जाएगी तो अच्छी रहेगी कि कोई बच्चा देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि क्या क्या मैंने दे रखा है ये देखिए असाइनमेंट मैंने दे रखे हैं ऑपरेटर के, के, जावा प्रोग्रामिंग के ये मैंने डाल दिया इन्हीं फाइलों से ऑनलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ इसमें वो नहीं आ रही नहीं है हाँ इसमें ऐरे नहीं है वो किसी ने कहा नहीं होगा इसलिए मैंने नहीं डालना लेकिन आपकी एमसीक्यू वाले में उसमें एरे था यस सर इसमें भी डाल दीजिए प्लीज थोड़े जिससे भी देख के कर लेंगे बिल्कुल बिल्कुल डाल देंगे अब कहा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसमें एरे है लेकिन जो एरे इस, 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 आ, मैंने पढ़ाया है वो वीडियो में अवेलेबल है ऑनलाइन वाले तो में वीडियो, से, है। सर, वीडियो से देख लिया था मैंने हाँ बाकी मैं एक सजेशन देना चाहूंगा बच्चों की एक बार तो आपको वीडियो सारी देखनी ही चाहिए ठीक है या आपने क्लासेस ली हूँ और तौर पे प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए प्री बोर्ड वाला जो डेटा फाइल दिया है इसको पढ़ डालो समझो आपने तैयारी कर ली क्योंकि थ्योरी आउटपुट प्रोग्रामिंग सब दी गई है अब एग्जाम टाइम पे बच्चों पीडीएफ फाइल अगर आपको अंदाजा है कि कहाँ से पीडीएफ फाइल की जरूरत है किस टॉपिक के हिसाब से और वो कहाँ पढ़ी है अगर ये आपने देख रखा है तो एग्जाम टाइम पर आपका वीडियोस नहीं देखी जाती है एग्जाम टाइम पर पीडीएफ फाइल से पढ़ा जाता है क्योंकि पीडीएफ फाइल बस सरसरी निगाह से आप पढ़ते हुए आगे बढ़ जाओगे और वीडियो तो एक घंटे की होती है उसको एक घंटे तो चार एमसीक्यू वाली फाइलें पढ़ डालोगे तो इसलिए जो है पी डी फाइल एग्जाम टाइम में पढ़ना चाहिए ठीक है मैंने ओवरऑल बता दिया है बाकी आप टेस्ट का विशेष ध्यान रखिए आप जैसे इस संडे को स्ट्रिंग टेस्ट है और एमसीक्यू का एक टेस्ट हो गई होगा तो स्ट्रिंग टेस्ट आपका स्ट्रिंग टेस्ट आपका बजे 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 से से मैं बार-बार ले रहा हूं और MCQ का टेस्ट आपका ही भी हो सकती है वरना जो मैंने बताई वो से MCQ टेस्ट स्टार्ट होता है। और तक का समय होता है रात के 11 बजे तक आप उस एमसीक्यू के टेस्ट की फाइल खोलकर और उसको 11 बजे से पहले मतलब 11 बजे एंड हो जाएगा आप एमसीक्यू दे सकते हैं और दूसरे दिन उसका आपका वही एमसीक्यू वाला जो मैंने बनाया है फोल्डर स्टडी मटेरियल में उसमें उसकी फाइल करेक्ट आंसर के साथ में अपलोड कर दी जाती है बच्चों इसका आउटपुट आपने क्या बताया? बी और ए का? जल्दी से बता दीजिए देखिए आप यहां पे देखिए वैसे तो आप चाहे ना मानिए जैसे ये बी के पहले एक स्पेस है ए के पहले एक स्पेस है तो आप चाहे इसको इग्नोर कर सकते हैं आप बी और ए कोई कंपेयर कर लीजिए तो देखिए जब दो डिफरेंट करेक्टर आप मिलते हैं तो उसके बीच का डिफरेंस निकाल लेता है कंपेयर टू तो बी और ए के बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे तो आप बी का स्काई कोड लिख दीजिए 66 और माइनस ए का स्काई कोड लिख दीजिए 65। तो कितना आया वन आया one. तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है वन है अब ये वन प्लस में आएगा या माइनस में आएगा इसको आपको देखना है तो अगर बी को ए से कंपेयर किया गया तो ये आंसर आपका प्लस वन आएगा अगर ए को बी से कंपेयर किया जाता तो ये आंसर माइनस वन आता है तो यहाँ पे आपको क्या सीखना है कि पहले वाला अगर बड़ा है, बड़ा sense, बड़ा है है इन द सेंस क्योंकि से माना जाता है, तो पहले वाला अगर बड़ा है तो प्लस में रिजल्ट आता है जो भी डिफरेंस आपका आया है जैसे ये डिफरेंस हो सकता है टू आया होता है तो प्लस का टू कहा जाता है थर्टीन आया होता है तो प्लस का थर्टीन कहा जाता है क्योंकि पहले वाला बड़ा है और इस इस वाले केस में यहाँ पर पहले वाला छोटा है दूसरे वाले से तो जो भी नंबर डिफरेंस में आया होता उसको माइनस में कन्वर्ट कर देते इस तरीके से कंपेयर टू वर्क करता है तो यहां पे आपका आंसर प्लस वन आएगा ना वन आएगा क्योंकि बी पहले दिया है अगर ए को इधर कर दे बी को इधर कर दे तो माइनस में आ जाएगा ठीक है क्लियर yes, फिर यहां पे देखिए वेलकम के साथ में डॉट कैरेट टू लिख दिया गया है और यहां पे भी वेलकम है डॉट कैरेट जीरो लिख दिया गया और बीच में प्लस का मतलब कॉन्ट करना है तो जीरो पे क्या है डब्लू है w, हाँ। w, तो एल w. डब्लू तो, तो आ जाएगा आपका आउटपुट विदाउटेस एल डब्ल्यू इस तरीके से सर, सर वेलकम भी तो प्रिंट होगा वेलकम क्यों प्रिंट होगा यहाँ पे जो फंक्शन यूज हो रहे हैं उस फंक्शन से जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट होगा वेलकम अच्छा यस सर सर बस आ, मैं देख लेता हूँ इस वाले पेज में कितने क्वेश्चन बचे हैं थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स है, है मतलब बच्चों अगर लेट हो रहा हो तो मैं क्लास एंड कर दूं। कितने बच्चे हैं जो अभी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं पांच बच्चे हैं बच्चे लोग बचे हैं बाकी सब चले हाँ हा, तो ठीक है तो फिर अब यहीं तक कर देते हैं अगली क्लास में ज्यादा बच्चे होते तो अच्छा लगता है ठीक है जिससे दोबारा उनको वीडियो ना देखनी पड़ जाए तो ये yes, आज का क्लास रहेगा ठीक है बच्चों ठीक है सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर